पानीपत में आज तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल आर्य कॉलेज के सामने एक दर्दनाक सड़क हादसे में गुरुग्राम डिपो की हरियाणा रोडवेज बस ने छात्रा को कुचल दिया, जिसमें छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक छात्रा का नाम ऐसना था और वो 11वीं कक्षा की छात्रा थी। वह घर से एक्टिवा लेकर ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। जैसे ही आर्य कॉलेज के पास पहुंची तो उसके साथ दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे के बाद बस का चालक मौके से फरार हो गया। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल भिजवाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की माने तो जल्द ही बस चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये तो किसी ने वहाँ पे खड़े तो उन्होंने ही फोन किया, भाई आपका ऐसे ऐसे बच्चा है, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, तो हम गए तो मौके पे 17 साल हो 11वीं क्लास। किस चीज के साथ बस के बस का अगला टायर चढ़ा दिया। पैदल जा रहे थे, एक्टिवा जैसे बच्चा जा रहा था पीछे से बस के। ये एक लड़की आसना जैन जो ट्यूशन पर अपने स्कूटी से जा रही थी, पीछे से किसी व्हीकल ने इसको साइड लगा, जो पीछे आ रही गुड़गांव डिपो की बस के नीचे ये आ गई, जिसके उसकी मृत्यु हो गई। कार्रवाई मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, कार्रवाई आगे हम अमल में ला रहे हैं। बस सरकारी बस है, फरार होने का तो मतलब आ जाएंगे, गुड़गांव डिपो की बस है, कार्रवाई उचित करेंगे।